लड़कियों की डीपी देखने के बाद जब उन्हें सामने से देखो तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं में नहीं है, हर जगह है। क्यों होता है प्यार बता दिलबर, हो कैसे अचानक मिल जाती है नजर। इंसान भी कितना मतलबी है, आज जिस धूप में वो सुख ढूंढ रहा है, अरे 2 महीने बाद इसी धूप को गाली देगा। मैं मार्केट से लौटा था, घर पे देखा 5-7 मेहमान बैठे हैं, मारे खुशी से मैं उनके पैर छू लिए, और फिर बाद में पता चला ये साले भैंस खरीदने आए थे। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मह। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। अरे कभी भी रंग देखकर शादी मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। सुनो, आज हमारे दादाजी मेरे सपनों में आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बेटा जितने पाप करना है कर लो, यहाँ नरक में भी जगह नहीं है। तो मैंने दादाजी से पूछा, फिर आप कहाँ हो? इतने में दादाजी बोले। क्या बोले? अरे मैं खुद एक दीवार पे बैठा हूँ। इंसान की जिंदगी उस समय अंधेरे में चली जाती है जब वो 1 करोड़ रुपए जीतने के चक्कर में अपने 500 रुपए भी सट्टे में हार जाता है। देखो राणा, मैं जैसा हूं अब ऐसे ही रहूंगा। ये सच है कि मैं एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी हूं, पर अब पेड़ से टूट चुका हूं, कट चुका हूं। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा, अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, हुक्म तो हमें तो अभी पाल किला दे, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए।